मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ टर्फ लाइन की वजह से पिछले 6 दिन से बारिश हो रही है। साथ ही अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले ने कहा है कि अगले 24 घंटे के लिए कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। तेज आंधी के साथ बारिश गिरने की संभावना है। अभी 2 दिन मध्य प्रदेश के मौसम में अधिकांश जिलों में ओले भी गिरने की संभावना है। 29 तारीख के बाद मध्य प्रदेश का मौसम साफ होगा। सर, भोपाल और मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा अगले 24? नमस्कार, मैं प्रकाश धोले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा कि हमने जो पूर्वानुमान दिया था उसके हिसाब से बहुत से जिलों में, जो मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में हल्की हल्की वर्षा हुई है, दर्ज की गई है। अभी आने वाले दिनों में, जो आने वाले 24 घंटे में, जो है अभी आप सिस्टम देख रहे हैं, ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के ऊपर बना हुआ है, उसी के साथ एक चक्रवाती परिसंचर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी बना हुआ है, और एक सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, और इस चक्रवाती परिसंचरण से जो है एक ट्रफ और विंड डिसकंटिन्यूटी जो है वो साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक जा रही है। तो इनके चलते जो है पूरे मध्य प्रदेश में आज जैसे 26 तारीख है और कल 27 तारीख, 2 दिन जो है अच्छी वर्षा हो देखी जा सकती है। विशेषकर जो है 26 तारीख को जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूरा जो इलाका है वहाँ के पूरे संभाग में, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल, होशंगाबाद, गुना और गुना शिवपुरी वगैरह, इस पूरे एरिया में जो है अच्छी वर्षा देखी जा सकती है। और मीन्स पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे जबलपुर है, शहडोल है और सागर है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ जिलों में जो है वर्षा हो सकती है। और हमें इस 24 घंटे के लिए हमने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसकी वजह से जो है इन इन संभागों के कुछ जिलों में जो है हल्की गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, उसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, कहीं कहीं हल्के ओले भी गिरने की संभावना हमने दी है। सर, कितने दिन रहेगा मौसम ये खराब? ये आज की 26 और कल 27, यानी 2 दिन के लिए इस टाइप का मौसम रह सकता है। फिर उसके बाद 28 तारीख को जो है हल्की वर्षाएँ रहेगी, बादलों की आवाजाही होगी, और फिर 28 तारीख से धीरे धीरे जो है वो मौसम जो है खुलना शुरू हो जाएगा। हल्के बादल रह सकते हैं पर वर्षा की संभावना 29-30 को कम है।